बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, हमेशा बहारों के साए में रखे और हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चिकन मटर पुलाव बनाने लगे हैं, जिसके लिए मैंने ये एक किलो मटर है हमारे, एक किलो हमारा चिकन है, हमने मिक्स चिकन लिया हुआ है और डेढ़ किलो हमारे चावल है, ये बाकी मसाला जाता है, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च हमने पीस के रखी हुई है। ये तीन चम्मच भर के हमने ऑयल के डाल लिए हैं, आग हमने जला ली है, अब हम मसाला तैयार करते हैं। ये एक बड़ा प्याज हमने काटा हुआ है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें ये गरम मसाला डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हम इसमें ये नमक डालेंगे, ये दो चम्मच, ये आधा चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, हमने ढाई चम्मच डाले हैं नमक के। ये थोड़ी सी हमने रेड मिर्च लाल मिर्च डालने लगे हैं, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्च डालनी है ज़्यादा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब चिकन शामिल करेंगे और तकरीबन इसको 15 मिनट भुनेंगे। ये दही भी हम चिकन के साथ ही शामिल कर देंगे, इसको इसके साथ ही हमने भून लेना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, ये अब हम इसमें ये मटर शामिल करेंगे और इसको भी हमने तकरीबन 10 मिनट भुनेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन और मटर को मैंने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें हमारे 4 ग्लास चावल हैं, यानी कि 1.5 किलो हमने 1 घंटा पहले गीले किए हुए हैं, अब हम इसमें 5 ग्लास पानी डालेंगे, 5 ग्लास ये हमने पानी डाला हुआ है, ये डाल देंगे, इनको 2-4 उबाले आ जाएंगे, फिर हम चावल डालेंगे। ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह पानी हमारा पक रहा है, ये चीज़ें भी हमारी गल चुकी हैं, अब हम चावल डालेंगे इसके अंदर। चावल मैंने 1 घंटा पहले गीले किए थे, बिस्मिल्लाह, ये देख लें चावल मैंने डाल दिए हैं, अब एक दफ़ा पूरा चम्मच चला देंगे चावलों के अंदर, और पानी हमेशा चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब हम चावलों को कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे। 6 मिनट हो चुके हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा खुश हो चुका है, एक दफ़ा हम फिर चम्मच चलाएँगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना चाहिए नहीं तो चावल टूट जाते हैं। ये थोड़ा सा फूड कलर है, 4-5 चम्मच पानी में हम इसको मिक्स करके इसके अंदर डालते हैं, और ये लीमू और मिर्चें, ये कड़वी मिर्चें नहीं है, ये सिर्फ खुशबू के लिए हमने डालनी है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब सिर्फ हम 5-6 मिनट इसको दम देंगे, दम वाली आँच में हमने इसको सिर्फ दम देना है, सिर्फ 6 मिनट। ये देखें दम हमारा पूरा हो चुका है, अब हम देखते हैं, आग भी हम नीचे से बंद कर देते हैं, बिस्मिल्लाह रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है, कलर देख लें माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा आया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब डिश आउट करके, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारे चावल तैयार हुए हैं, चिकन मटर मिर्च पुलाव, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले आए। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी अगली रेसिपी लेके, अल्लाह हाफिज़।